नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? आपका फिर से स्वागत है गांधी जागरा केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। बच्चों, लव केमिस्ट्री, फील केमिस्ट्री एंड एंजॉय केमिस्ट्री। तो आज आपके लिए मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। क्लास 10 का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। और यह बहुत ही कॉमन चैप्टर है जो आप चारों तरफ देखते हैं। मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप केमिस्ट्री आपके चारों तरफ है, इसको फील कर दें। वही चीज आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाऊंगा करके कि आप एसिड और बेस क्या जानते हैं। तो पहले मैं देखिए इस बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं जो एसिड होता है। एसिड क्या होता है? नॉर्मली एसिड आपका जो खट्टा होता है टेस्ट में, उसको बोलते हैं आप एसिड। जैसे आपका लेमन है, नींबू खट्टा होता है, दही खट्टी होती है, उसमें एसिड होता है। टमाटर में एसिड होता है। ये आपके एसिड ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं सब्सटेंस। अब एसिड के एग्जांपल देना, या फिर केमिकली अगर बात करते तो एसिड वो सब्सटेंस है जो एच पॉजिटिव आयन हमें देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच पॉजिटिव आयन, देखिए ये एच पॉजिटिव आयन देगा हमारे को, ये एसिड हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड है, HNO3। ये आपके पास जो है मिनरल एसिड बोल सकते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं। तो ये एसिड के बारे में बात करिए। अब आता है आपका सोप या बेस। बेस जो होता है वो सोपी इंटर्स, अगर उसको टच करते हैं तो साबुन की तरह से फीलिंग आती है। अगर आपको कहे ना कि साबुन क्या होता है, और बेस होता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा आज। इसके अलावा ये क्या देगा? ओज नेगेटिव आयन। केमिकली बात करते हैं इसके, तो ओज नेगेटिव आयन ये देगा एक्वस के अंदर। इसके अलावा देखिए एग्जांपल NaOH, Na पॉजिटिव, ओज नेगेटिव, MgOH होल्ड वाइस, Mg2 पॉजिटिव एंड ओज नेगेटिव। मतलब क्या है? ये बेस है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है, क्या हम सब एसिड बेस को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो हाथ लगाते ही जला देते हैं। तो जैसे आपका HNO3 है, H2SO4 है, आपको बताया था उन्हें, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है उसकी इंडिकेटर की। किसकी जरूरत पड़ती है? इंडिकेटर की। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिकेटर क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे इंडिकेटर का मतलब आप अपनी मोटरसाइकिल में इंडिकेटर होता है, साइड चेंज करते हैं तो इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, मतलब इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर इंडिकेटर से मतलब है वो सब्सटेंस व्हिच यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। आपके पास दो सैंपल दे रखे एसिड और बेस के, उसमें अलग अलग करना है कि एसिड कौन सा, बेस कौन सा है। ठीक है, बाई चेंज इन कलर, कलर चेंज का हो जाता है, उसको बोलेंगे एसिड और बेस। अब दो तरह का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल वो होता है जो हमें अपने आप नेचुरल मिल जाते हैं, और सिंथेटिक वो होता है जैसे नेचुरल में एग्जांपल आपका हल्दी है, घरों में यूज करते हैं, हल्दी खाते भी हल्दी, तो हल्दी के ऊपर भी आप एसिड और बेस का मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिनोक्सिलीन या मिथाइल ऑरेंज। तो यही सारी चीज़ें देखिए मैं आपको अभी प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने देखिए, ये आपके पास है ऑक्सलिक एसिड, ये आपके पास है बेस NaOH। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये सोप सोल्यूशन है, और यहाँ पर मैंने दो इंडिकेटर यूज किए। एक इंडिकेटर आपके पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये क्या करता है? एसिड के अंदर से कलर कलरलेस रहेगा, और बेस में इसका कलर चेंज हो जाता है, पिंक बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नींबू भी लिया मैंने और टर्मेरिक भी लिया है, तो इन सभी को मैं आप करके दिखाऊंगा कैसे काम करते। देखिए ये आपके पास, सबसे पहले मैं लेता हूँ देखो सोप सोल्यूशन। साबुन तो घरों में यूज करते हैं, अब साबुन जो होता है सोपी टच है, नेचुरल बात है, क्या बेस है। देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहा हूँ। देखिए देखिए अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ ये इंडिकेटर, ठीक है, अब देखना इस इंडिकेटर के ऐड करने से क्या होगा। देखिए ये आपका कलर, इसका क्या कैसा कलर होगा, इसका पिंक कलर होगा। इसका मतलब इसमें क्या है? बेस है। तो आप कंफर्म हो गया साबुन का जो सोल्यूशन, देखिए आपका साबुन सोल्यूशन जो दिया था मैंने अभी, जो ये साबुन सोल्यूशन सोप सोल्यूशन, क्या इसके अंदर बेस, तो कलर हो गया पिंक। ठीक है, अब ये आपके पास देखिए, मैं इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ साइड में। अब देखो दोबारा से इसको फ्रेश करते हैं दोबारा से। अब मैं अगला आपके सामने यूज कर रहा हूँ, देखिए अगला जो सैंपल आपके पास है ये एसिड का सैंपल, देखिए ये नींबू आपके पास है, नींबू को मैं अगर इसमें ऐड कर देता हूँ, खट्टा होता है इसके अंदर। अब अगर ये इसको कलर को पिंक कर देगा, अगर
नींबू के कलर को पिंक कर देगा नींबू ये इंडिकेटर, तो ये आपका बेस है अंदर वाइज एसिडिक है। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, दो ड्रॉपल्स खिला देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए क्या चेंज हुआ, नहीं नींबू का कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब नींबू क्या है एसिड है, और इसमें एसिड कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो इसको मैं फिर से साइड में कर देता हूँ देखिए, और इसको मैं वाश कर देता हूँ, फिर से हम इसको यूज करेंगे, ये आपको वाश कर दिया। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ऑक्सैलिक एसिड, देखिए ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पर होता है, टमाटर में होता है। अब ये आपके पास टमाटर, मैंने ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर दिया, ऑक्सैलिक एसिड यहाँ लगा लिया हमने। अब इसमें भी मैं इंडिकेटर ऐड कर रहा हूँ, देखिए क्या कलर चेंज होगा, नहीं चेंज हो रहा है, मतलब एसिड के अंदर फिनोफ्थलिन का कलर क्या होता है, कलर लेस होता है। देखिए मैंने फिनोफ्थलिन इसमें ऐड कर दिया है तो कलर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ये एसिड है, और कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर में होता है ये, ठीक है। आप टमाटर खाते हैं इसका मतलब एसिड भी खाते हैं हम लोग, इसी तरह दही खाते हैं, दही के अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है। अब आपको पता है कौन सा एसिड होता है दही के अंदर, आई होप यू नो, दही में कौन सा एसिड होता है, दही में होता है लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, बेस ले लिया हमने, एसिड ले लिया और इंडिकेटर लिया, अब यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड में चेंज नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, जो घरों के अंदर देखिए ये आपके पास है हल्दी, अब ये कहेंगे हल्दी का क्या काम है, देखो हल्दी में दो तरीके से यूज कर रहा हूँ, पहले आपके पास में एसिड सोल्यूशन ले रहा हूँ, देखिए ये लिया हमने एसिड सोल्यूशन, देखिए एसिड सोल्यूशन में मैंने डाल दी हल्दी, देखिए कैसा कलर है, येलो कलर है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब देखना अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं क्या बेस, अब देखिए क्या हुआ, ऑरेंज कलर, अमेजिंग, मतलब क्या होता है, जो आपके पास टर्मरिक है ना, टर्मरिक एक तरह का क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है, जो क्या करता है बेस के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज कलर या रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप कढ़ी आपकी शर्ट पे गिर जाती है और आप उसको धोते हैं वॉश करते हैं साबुन से तो क्या हो जाता है, उसका कलर ऐसा हो जाता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल लिया हमने, क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका टर्मरिक एक तरह का इंडिकेटर है, वो साबुन मतलब बेस के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। ये आपके सामने दिखाई देता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको कहता रहता हूँ केमिस्ट्री आपके चारों तरफ है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, अगर आपकी मम्मी पूछती है कि इसका कलर ऑरेंज कैसे हो गया, तो आप इसका आंसर देंगे कि क्या ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपके चारों तरफ है, तो इसको आप फील कीजिए, इसको आप इंजॉय कीजिए। देखिए ये आपको मैंने फिर से वॉश कर दिया है, अब यहां देखिए, अब मैं एक इंडिकेटर और ले रहा हूं यहां पे आपके सामने, ये ओनियन है, क्या ये ओनियन है, आप कहेंगे इसका काम क्या है भाई, इसका काम का रोल क्या है, तो ओनियन जो होता है एक तरह का ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर, क्या होता है यहां पे देखिए, इंडिकेटर आपका होता है सिंथेटिक और ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। अगर ओनियन को आप एसिड सोल्यूशन में रखते हो तो उसकी जो स्मेल है वो नहीं जाती है, लेकिन अगर आप इसको बेस में रख देते, देखिए यहां पर मैं इसको अगर बेस में रख देता हूं तो कुछ देर के बाद स्मेल इसकी कम हो जाती है, स्मेल इसकी चेंज हो जाती है, उसका मतलब ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, द इंडिकेटर विच इंडिकेट द चेंज इन इंडिकेट द एसिड और बेस बाय चेंज इन स्मेल, इट्स कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी में क्या होता है, स्मेल होता है, मतलब क्या स्मेल, तो ये भी आप इस पे यूज कर सकते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अब लास्ट में मैं आपको एसिड और बेस के रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड और बेस को मिलाते हैं ना तो क्या बनता है, एसिड और बेस बनता है। देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया इसमें बेस, देखिए बेस डाल देंगे उसका, कैसा कलर होगा इसका, पिंक कलर होगा इसका, इसमें क्या है इंडिकेटर है। और अगर मैं इसमें डाल देता हूँ एसिड, देखिए अगर मैं इसको अंदर डाल देता हूँ एसिड, अब देखना
क्या हो सकता है, देखिए अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, मतलब एसिड और बेस जब मिल जाते हैं ना तो न्यूट्रलाइजेशन साल्ट बन जाते हैं, और अगर यहाँ पर एक ड्रॉप भी होती बेस की, इसका कलर कैसा हो जाता है।